अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त था कि मैंने ये थंबनेल बनाया था और इसमें मैंने कहा था कि मुझे जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ गया है, लेकिन मैं इस बात से बहुत मायूस हूँ कि वो मैं जिस दिन का इंतज़ार कर रहा था अभी वो दिन नहीं आया है। क्योंकि एक मुफ्ती हैं जो अपने आप को मुफ्ती कहते हैं, उन्होंने वीडियो बनाई है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये इनसे तवक्को ये नहीं थी, क्योंकि जो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कही थी तो वो ये बात समझ में आ रही थी कि वो गैर आलिम हैं, उनके पास कोई सनद नहीं है तो उन्होंने ये बात कह दी है। लेकिन मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि चलो एक मुफ्ती आए हैं, ये बात को समझ के और तौल के बोलेंगे और बात को समझेंगे। लेकिन मुझे हाय बहुत अफसोस हो रहा है कि ये भी अंधभक्त निकले और ये भी चाटुकार निकले। मैं ये जुमला इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी मैं इसकी हकीकत आपको बताऊँगा, तब आप भी कहेंगे कि हाँ ये अंधभक्त हैं, ये भी चाटुकार हैं। सैयद अमीनुल कादरी साहब पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सैयद अमीनुल कादरी साहब ने ये बात जुमला कहा था कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है, और ये आला हज़रत ने लिखा है, ऐसा उन्होंने कहा था। इस बात से मैंने उनका रद्द किया कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात कहीं पर नहीं लिखी है, आला हज़रत का ये कोई फतवा नहीं है कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैयद अमीनुल कादरी साहब के सपोर्ट में आकर मेरे ख़िलाफ़ यूट्यूब वीडियो बनाया और ये साबित किया कि नहीं, सैयद अमीनुल कादरी साहब सही कह रहे हैं, हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है। और ये बात उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जल्दी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदना, निस्बत से, अगर निस्बत लगाया तो फिर ये कुफ्र हो जाएगा। अब आपको मैं पहले वजाहत करना चाहता हूँ कि निस्बत क्या चीज़ होती है, निस्बत किसे कहते हैं, पहले ये बात समझें। निस्बत कहते हैं ताल्लुक को, किसी के ताल्लुक से बोलना यानी किसी के निस्बत से बोलना, ये दोनों एक ही बात हुई, समझ रहे हैं, निस्बत यानी ताल्लुक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हिंदुओं के त्यौहार के ताल्लुक से किसी ने मिठाई खरीदा तो भी कुफ्र हो जाएगा। ये दोनों जुमलों में फ़र्क नहीं है, क्योंकि निस्बत और ताल्लुक दोनों एक ही जुमला है, समझ रहे हैं। अगर मेरे वीडियो को आलिम दीन सुन रहे हैं, मुफ्तियाने कराम सुन रहे हैं, तो बगौर समाज फरमाएं वो लोग कि निस्बत और ताल्लुक दोनों एक चीज़ हैं। मैं कहूँ कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है, या ये कहूँ कि हिंदुओं के त्यौहार के ताल्लुक से मिठाई खरीदना कुफ्र है, दोनों एक बात हुई। अब बताइए कि हिंदुओं के त्यौहार के ताल्लुक से जो मिठाई खरीदेगा तो क्या हिंदुओं के त्यौहार को अच्छा जानकर खरीदेगा? नहीं, कोई मुसलमान हिंदुओं के त्यौहार को अच्छा नहीं जानता। हाँ, उसके त्यौहार के ताल्लुक से मिठाई तो खरीद सकता है, लेकिन उसके त्यौहार को अच्छा नहीं जानता। तो ये कहते हैं कि अगर ताल्लुक से भी खरीदेगा तो भी काफिर हो जाएगा। मैं अपने मुफ्तियाने कराम जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, हाथ जोड़कर आपसे मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ मेरे मोहतरम, कि आप लोग इनकी गिरफ्त करें। ये जो अपने आप को मुफ्ती कहते हैं, नाम है गुलाम रब्बानी, ये अपने आप को मुफ्ती कहते हैं, इनकी गिरफ्त की जाए। इन्होंने आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ एक झूठी बात को मंसूब किया है, झूठा फतवा उनके तरफ मंसूब किया है। इनसे दरियाफ्त किया जाए कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात कहाँ कही है। ये मेरे मोहतरम, ये झूठी बात आज लोग अपनी तरफ से गढ़ गढ़ के आला हज़रत की तरफ मंसूब कर रहे हैं। इस बात का दर्द, अगर आप दीन का दर्द रखते हैं मेरे मोहतरम, तो इनकी गिरफ्त की जाए, इनसे तौबा व रुजू कराया जाए, या तो इनसे दलील मांगी जाए कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ऐसा कहाँ लिखा है। और आपका, आपको इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में इनके वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप इनके वीडियो को जब ओपन करेंगे तो उसमें इनका नंबर मौजूद है, समझ रहे हैं। इनका वीडियो जब आप ओपन करेंगे तो उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर खुद मौजूद है, आप फ़ोन करके इनसे दरियाफ्त करें कि ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ लिखा है। अगर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं लिखा है तो इनको तौबा व रुजू करना पड़ेगा, लोगों को गलत मसला बता रहे हैं। इस पर मैंने एक वीडियो और बनाई है, मैं इसलिए ज़्यादा इस पर कलाम नहीं करना चाहता अभी। अब इन्होंने एक दूसरी वीडियो बनाई है जिसमें इन्होंने लोगों को गुमराह करके रख दिया, समझ रहे हैं, लोगों को गुमराह करके रख दिया मेरे मोहतरम। बात यह है, मैंने सैयद अमीनुल कादरी साहब पे एक गिरफ्त की थी, उन्होंने एक बात, एक वाकया बयान किया था कि हज़रत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से,
कि जब हज़रत मौलाए कायनात हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक लेके हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे और कहा कि आप दुआ करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत के लिए दुआ करें, तो उन्होंने उम्मत के लिए जब दुआ करने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, ये सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान किया था कि अल्लाह ने फरमाया कि उवैस बस आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्शा और आधी उम्मत अब्दुल कादिर की शफात से बरोज़े कयामत में बख्शेंगे। ये बात सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान की। और फिर क्या हुआ आगे, तो हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने पूछा, ए अल्लाह ये अब्दुल कादिर कौन है? तो अल्लाह तबारक व ताला ने बताया कि वो मेरी हुज्जत है और ये है वो है। उसके बाद हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि अल्लाह वो जब आएगा आएगा, जब उसका कदम औलिया अपनी गर्दनों पर लेंगे लेंगे, लिहाजा मैं आज ही, तू गवाह रहना, मैं आज ही अपना गर्दन उसके लिए झुकाता हूँ, समझ रहे हैं, उसका कदम अपनी गर्दन पर लेता हूँ। ये बात सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान की थी। मैंने इस बात की गिरफ्त की थी इस बिना पर कि हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सैयदुत ताबई हैं, यानी ताबईयों के सरदार हैं, अफजलुत ताबई हैं, समझ रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अफजलुत ताबई हैं, सैयदुत ताबई हैं, ये एक हदीस से साबित है। और वो हदीस ये आप देख सकते हैं, ये अल मुस्तदरक में मौजूद है और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में ये हदीस मौजूद है, ये रिवायत मौजूद है। इसमें आप देख रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनको खैरुत ताबई कहा, यानी ताबईयों में सबसे अफजल कहा। तो जिसको अल्लाह के रसूल ने ताबईयों में सबसे अफजल कर दिया, करार दे दिया, तो वो ताबईयों का सरदार हुआ। जैसे सहाबा में सैयदुस्सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उसी तरीके से ताबई में हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुत्ताबई हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत इफ्तरा बात है ये कि हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन पर हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के कदम है। तो ये इसकी इस बात का मैंने रद्द किया। अभी ये ग़ुलाम रब्बानी साहब जो हैं, ये सैयद अमीनुल कादरी साहब के सपोर्ट में देख रहे हैं थंबनेल, ये थंबनेल इनके चैनल पर वीडियो मौजूद है। हज़रत उवैस ये सैयद अमीनुल कादरी साहब के सपोर्ट में ये इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बनाया और इससे साबित कर रहे हैं कि नहीं, ये वाकया जो है ना मौजूद है किताबों में और लोगों को ये गलत मैसेज दे रहे हैं। मैसेज गलत इसलिए दे रहे हैं कि आपने जब इस बात, आप मुफ्ती हैं, आपका काम है लोगों को सही बात बताना, सही रास्ता बताना, सही राह दिखाना, आपने लोगों को गुमराह करके रख दिया। आपने ये बात नहीं कही कि ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है, ये बिल्कुल बात रद्द है। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ताबई नहीं है, बल्कि ताबा ताबई भी नहीं है, वो बहुत नीचे हैं। हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुत्ताबई हैं, समझ रहे हैं, तबा ताबई नहीं, सैयदुत्ताबई हैं हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनके उनके मकाम और मर्तबा से वो नीचे हो ही नहीं सकते। ये बात इनको बतानी चाहिए लेकिन नहीं बताया इन्होंने। क्या ये एक देखें, ये मुफ्ती हैं, मुफ्त के मुफ्ती, इसीलिए मैं इनको कहता हूँ कि ये मुफ्त के मुफ्ती हैं, समझ रहे हैं। ये बार बार आते हैं, यही कहते हैं कि जो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बात कही कहीं ना कहीं वो किताबों में मिलता है, कहीं ना कहीं वो किताबों में मिलता है। जाहिल हो तुम्हें बिल्कुल, कहीं ना कहीं किताबों में मिलने से क्या ये बात यानी वाज़े हो जाती है कि ये बात दुरुस्त है? अगर ये बात अगर दुरुस्त हो गई कि हाँ किताबों में लिखा हुआ मौजूद है तो वो बात दुरुस्त है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फतावा रज़विया में, और जिस किताब का आपने हवाला दिया ना कि ये वाकया तफरीहुल खातिर में मौजूद है, इमाम अरबली, इमाम अब्दुल कादिर इब्न मुहियुद्दीन अरबली रहमतुल्लाह अलैह ने जो तफरीहुल खातिर में अपने ये वाकया बयान किया है, आप उसका हवाला दे रहे हैं ना, तो इसी तफरीहुल खातिर में एक रिवायत मौजूद है, एक वाकया मौजूद है जिसको मेरे इमाम आला हज़रत ने इस रिवायत को कहा है कि ये इबलीस की गढ़ी हुई रिवायत है, इसको सुनना भी और पढ़ना भी दोनों हराम फरमाया है। और वो वाकया कहाँ लिखा है? तफरीहुल खातिर में मौजूद है। तो क्या तफरीहुल खातिर में आ जाने से वो रिवायत काबिले कबूल और बहुत मुस्तनद हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को आपको समझना चाहिए, आप एक मुफ्ती हैं, आपको समझना चाहिए कि ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। और इसको तो मेरे इमाम ने अपनी एक शेर में कह दिया है, आपको शेर समझ में आना चाहिए। मैंने आपने वीडियो मेरी देखी होगी फिर भी नहीं समझ पाए, मेरे इमाम ने कहा है एक शेर में, ये इस बात को वादे कर दिया है कि हज़रत उवैस करनी और हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मकाम क्या है। फरमाते हैं कि सहाबियत हुई फिर ताबेईयत, मेरे इमाम आला हज़रत फरमाते हैं कि सहाबियत हुई फिर ताबेईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। क्या फरमाया, गौर करिए, सहाबियत हुई फिर ताबेईयत,
बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, हजारों ताबई से जू फजू हाँ ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। ये मेरे इमाम आला हजरत ने फरमा दिया। अब मेरे इमाम आला हजरत ने जब ये बात फरमाई, इस पर तवज्जो करें, फरमाते हैं सहाबियत हुई फिर ताबईयत, यानी सहाबियत के बाद मर्तबा जो है वो ताबईयों का है, और फिर ताबईयत के बाद बस, ताबईयत के बाद बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, यानी ताबईयों के बाद आगे कादरी मंजिल है या गौस। अब जब मेरे इमाम ने ये बात कही ताबईयों में, तो ताबईयों में सैयदुत ताबई अफजलुत ताबई वो मेरे हजरत उवैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो पहले नंबर पे हैं, समझ रहे हैं, वो तो बदरजा औला गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि से अफजल हुए, ठीक है। और दूसरी बात, ये अपने आप को मुफ्ती कहते हैं, मुफ्त के मुफ्ती हैं, बात को समझने की ज़रा सी भी इनको शऊर नहीं है। इन्होंने क्या, इमाम जो हमारे यहाँ के हमारे अकाबिर हैं, इमाम शार बुखारी अल्लामा शरीफुल हक अमजदी साहब अपनी किताब फतावा शार बुखारी में एक बात बताते हैं, वो बताते हैं कि सहाबियों के बाद और कुछ ताबईयों के बाद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मकाम बुलंद है, और इस बात को ये लेके उड़ गए। देखिए ये मुफ्ती हैं, ये कह रहे हैं कि जब हजरत अल्लामा शरीफुल हक अमजदी साहब ने ये बात कही कि कुछ ताबईयों को छोड़कर, तो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्या कुछ ताबईयों में छोड़कर आपको कैसे पता चला कि उस ताबईयों में हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। मैं आपको बताऊँ, हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदुत ताबई हैं, अफजलुत ताबई हैं, वो पहले नंबर पे हैं। यानी जब आप लिस्ट बनाओगे ताबईयों की ना, सबसे पहला नंबर अफजलुत ताबई में हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो जब कुछ कहा ना उन्होंने, तो वो कुछ में हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाजिम आते हैं। इस बात को समझने की ज़रा से भी आपको शऊर नहीं है, आप मुफ्ती अपने आप कहते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, लोगों को गुमराह करते हैं, समझ रहे हैं, आपको शऊर नहीं है, लोगों को गुमराह करके रख दिए हैं। मेरे मुफ्तियाने कराम, मेरे उलमाए दीन जो मुझे अगर सुन रहे हैं आप, तो इनकी गिरफ्त करें, ये लोगों को गलत मसला बता रहे हैं, और हैं मुफ्ती अपने आप को कहते हैं। सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बात कही थी, तो मैंने उन पर इतनी जोर में मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि वो गैर आलिम है, गलती हो गई उनसे, लेकिन ये आलिम हो के मुफ्ती हो के इनको इतना शऊर नहीं, इतनी तंबीह नहीं है कि इस बात को समझ सके। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके के आलिम हैं, इस तरीके के मुफ्ती होते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लोग समझ लेते हैं, बात को परख लेते हैं, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुत ताबई हैं, ताबईयों के सरदार हैं, और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ताबई भी नहीं हैं, तबा ताबई भी नहीं हैं, समझ रहे हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। और मेरे इमाम का वो शेर याद करिएगा, सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। और इस बात से मैं आपसे रुख्सत चाहता हूँ कि इस तरीके से दीन का काम नहीं होगा, इस तरीके से बरेलियत का काम नहीं होगा। मैं जो बहुत खुश हुआ था कि एक मुफ्ती आए हैं, ये दीन का काम करेंगे, ये नाप तौल के बोलेंगे, लेकिन हाय अफसोस कि ये भी अंधभक्त निकले। और जो भी मेरे ख़िलाफ़ कोई भी वीडियो, कोई भी कंपेन चलाए, तो मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, और आप मुझसे डायरेक्ट पूछें क्या मैंने ये कहा है, क्या मेरा ये अकीदा है, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कंपेन चलाई जा रही है, ठीक है। मुझे चुप कराया, इन्हें सोच रहे हैं कि मैं परेशान हूँ कि हट जाऊँ, लेकिन अल्लाह अकबर, मैं आला हजरत का शेर हूँ, इस तरीके से हार नहीं मानने वाला। मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से, और पाएं खास ऑफर के साथ सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग। अपनी वेबसाइट और डोमेन को भी ट्रांसफर करें qadri hosting पर।